देश विरोधियों का साथ देने वाला केजरीवाल, ट्रक में चिमृत डीएसपीओ का साथ देने वाला केजरीवाल, आप पीछे पीछे हट जाओ, आप लोगों को डिटेन किया जा रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है किसी तरह की हिंसा ना करें, शांति से रहे, शांति से रहे, शांति शांति का ध्यान रखें। बीते दिन पंजाब पुलिस वालों भाजपा आगू तेजेंद्र पाल बग्गा गिरफ्तार किया गया, रास्ते दे विच हरियाणा पुलिस ने उन्होंने रोक लिया। हरियाणा पुलिस के रोकने तो बाद दिल्ली पुलिस मुड़ बग्गा जी दिल्ली वापस ले जाती है। बग्गा की गिरफ्तारी का मामला लगातार गरमा दिखा रहा है, विरोधी पार्टियां आम आदमी पार्टी के निशाने साधदियां ने। जेकर गल की जाए भाजपा की, तो भाजपा वर्करा वालों अज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोठी का घिराओ किया गया, जिस तों बाद मुख्यमंत्री की कोठी की सुरक्षा बधाई गई। विरोध कर रहा है भाजपा आगू मनजिंदर सिरसा नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नारकोटिक्स में एक नशा के कारोबारी डीएसपी है, उसको बचाने में अरविंद केजरीवाल क्यों लगे? केजरीवाल जी आपसे देश सवाल पूछता है, आप एक नशा तस्कर डीएसपी को बचाने में क्यों लगे हैं? उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? केजरीवाल दिल्ली के रहने वाले हैं, बग्गा दिल्ली का रहने वाला है, मुकदमा पंजाब में, और डीएसपी वो आते हैं जो नशे में निमित्त है, जिनके ऊपर नशे के केस चलते हैं, ऐसे डीएसपी को क्यों बचाना चाहते हैं? दस्तार का भी आपने मामला उठाया, दस्तार का मामला आपने उठाया कि दस्तार बिना सिख को, दस्तार के बिना सिख को अपमानित करना 295A में मुकदमा दर्ज है। तुम किसी सिख को बिना दस्तार के नहीं ले जा सकते। ये केजरीवाल ने आके पाप किया है जो सिखों की दस्तार उतारी है। एक सिख बच्चे को मारने के लिए पंजाब ले जा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा भारतीय जनता पार्टी लुच्चों और लफंगों की सबसे बड़ी पार्टी है। ये ड्रगिस्ट की पार्टी है, ड्रग का साथ देने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी नशेड़ियों का साथ दे रही है। आम आदमी पार्टी जो दहशतगर्दी लाना चाहती है पंजाब में, उनका क्यों साथ दे रही है? अरविंद केजरीवाल जवाब दे, क्यों ऐसे डीएसपी का साथ दे रही है जो आरडीएक्स लाने की बात करता है, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है? कि एक सिख की दस्तार की अवहेलना की गई है। हमारे को सेक्शन 25(2)(b) हमको संविधान के अनुसार दस्तार पहनने का अधिकार देता है, वो अधिकार हमसे छीना गया है, उसकी अवहेलना की गई है। हम इसको संवैधानिक अवहेलना का मानते हैं, ये संविधान को उन्होंने तोड़ा है। लेकिन आरपी सिंह जी, आम आदमी पार्टी के उनको सूचित किया गया था, 5 बार उनको समन भेजा गया। अरे वो सब बेटा, वो सब बातें छोटी हैं, वो अपहरण करने आए, वो सूचना दी नहीं थी। हमारा आज का मुद्दा है कि एक सिख को दस्तार क्यों नहीं बांधने दी? उनके पिताजी ने गुहार लगाई, रिक्वेस्ट करी कि इसको पटका जा, दस्तार बांधने दो, सिर पे कपड़ा रखने दो। उनको पीटा गया सर, इसलिए कि वो चाहते थे उनका बेटा घर से बाहर जाए तो दस्तार बांध कर जाए। सर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं एक दंगे कराने वाले के साथ पूरी बीजेपी खड़ी हुई है। मनीष सिसोदिया में पूछो निशा सिंह कौन है, अंसारी कौन है, या वो अंसार कौन है, वो बताए पहले। तारू हुसैन कौन है, ये बताए पहले। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस भेजकर गुंडागर्दी की है, उनको उनका किडनैप किया है, गिरफ्तारी की है, और उनको टर्बन तक पहनने का अवसर नहीं दिया, दस्तार पहनने का अवसर नहीं दिया, और जिस तरह से उनके पिताजी का अपमान किया, उनको मारा पीटा और उनके मुंह में कपड़ा ठूसा, ये सरासर गलत हुआ है। और इसके खिलाफ पूरी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर है, सारे सिख समाज यहाँ पर है, और सिख विरोधी चेहरा आज केजरीवाल का उजागर दे रहा है। ऐसे अरविंद केजरीवाल जो नशे के कारोबारियों का साथ दे रहा है, ऐसा केजरीवाल जिसने डीएसपी, जिस ये डीएसपी का साथ देने वाला आदमी, हमें इसलिए राशन मिले गया, तेजेंद्र बग्गे की जो दस्तार उतारी गई थी वो गलत है। असं तेजेंद्र बग्गे ना खड़े हैं जो केजरीवाल सिखा से अत्याचार कर रहा है, केजरीवाल सिखा नू जेल बंद कर रहा है, फिर सिखा के बच्चों नजायज तरीके ने अरेस्ट कर रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी को मान की लड़ाई है, उन्होंने
सिखों का अपमान किया है, दस्तार और ककार का अपमान किया है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, सुनिश्चित लड़ेंगे, हम ये सिखों की दस्तार का अपमान नहीं सहेंगे। आप सर लगातार आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जो है वो एक गुंडे को बचाने में यहाँ पर पूरी तरह से जुटी हुई है। उनसे पूछिए ताहिर हुसैन कौन है, अंसार कौन है, निशा सिंह कौन है, जिनको सजा मिल चुकी है कोर्ट से, जाए जिनके खिलाफ मुकदमे बने हैं। बग्गा के खिलाफ एक मुकदमा साबित कर दिया जो गुंडागर्दी का हो, वो उनकी पार्टी गुंडों की पार्टी है। परंतु बड़ा विषय आज है कि सिखों के ककार दस्तार का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, दुनिया का सिख नहीं सहेगा। पंजाब पुलिस ने कहा है कि वो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के साथ आए थे, उनके पास पूरी तरीके से तैयारी थी। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ आते तो वहाँ पर तेजिंदर बग्गा को खुद क्षेत्र में छोड़कर ना जाते, वो तेजिंदर बग्गा को साथ लेकर जाते। हिरासत में लिया गया, वो हमें अगला कदम, हम इस लड़ाई को सड़क पर भी लड़ेंगे और संविधान के अनुसार मिनोरिटी कमीशन में भी जाएंगे और कानून का दरवाजा खड़खड़ाएंगे। मांग क्या सर आगे? सीधी सीधी बात है, केजरीवाल और भगवंत मान को माफी मांगनी चाहिए पूरी की पूरी सिख कौम से। बग्गा की गिरफ्तारी का मामला लगातार गरमाउंदा जा रहा है ते कोर्टां दे विच भी जिहड़ियां उह तरीकां पै रहियां ने। हुण देखना होगा कि आने वाले दिनों दे विच कोर्ट दे विचों इस मामले नूं लैके की सुनवाई हुंदी है। दिल्ली तो दविंदर सिंह दी रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। होएगी किसानां दी गल, नवीं खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल लैके चलांगे तुहानूं रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी। पूरे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।